वन लार्ज कैप टू मेगा कैप स्टोरी यस आज हम टाटा मोटर्स के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं वैसे तो एक सीरीज चल रही है आ, मतलब टॉप टेन स्टॉक्स फॉर समू थाउजेंड एटी बट यहाँ मतलब उसी का ये पार्ट हो सकता है बट इसका थमने लमने अलग से बनाया है रीजन भी मैं बताऊँगा आपको सो टाटा मोटर्स इज एन न्यूज फॉर लॉर्ड ऑफ गुड रीजन तो उन्ही को समझने की कोशिश एंड ओवरऑल ये बिजनेस फॉर नेक्स्ट टेन दिवालीज के लिए कैसे अच्छा हो सकता है इसके बारे में भी यहाँ पे हम बातें करने वाले हैं दो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो वहां पे एक अच्छी खासी रैली स्पेसिफिकली लास्ट वन ईयर में हमने टाटा मोटर्स में देखी है बट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट एंड दैट्स वाई ये जर्नी जो है लार्ज कैप टू मेगा कैप की uh, तो ये काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है एंड इसीलिए uh, आपकी रडार पे ये स्टॉक होना चाहिए ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है सो so, पहले तो बात करते हैं टाटा मोटर्स के ओवरऑल इंडिया uh, बिजनेस की सो नंबर वन कमर्शियल व्हीकल प्लेयर इन इंडिया कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करते हैं सो अराउंड थर्टी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट का मार्केट शेयर एच वन एफ वाई ट्वेंटी फोर में इस कंपनी का कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में अगर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की हम बात करते हैं सो देयर द मार्केट शेयर इज थर्टीन पॉइंट फोर परसेंट नंबर थर्ड पोजिशन पे है ये इन uh, इंडिया in वैसे देखा जाएगा तो एफ 20 की अगर मैं बात करता हूं यानी कि तीन साल पहले की तीन साढ़े तीन साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो उस वक्त पे जो मार्केट शेयर था टाटा मोटर्स का इन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट वाज हार्डली 4.8 परसेंट वहां से ऑलमोस्ट 2.75 टाइम्स उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है सो आई थिंक द समथिंग इज वर्किंग रियली वेल फॉर दिस कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो इंडिया में नंबर वन प्लेयर है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एंड करेंटली दे आर हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ सेवेंटी थ्री पॉइंट फोर परसेंट कुछ समय पहले ये मार्केट शेयर 80 परसेंट के भी ऊपर था एंड ये सस्टेनेबल नहीं है 80 70 परसेंट बट आई थिंक दे विल हैव अ गुड मार्केट शेयर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट वो पोल पोजीशन अपनी कभी छोड़ेंगे नहीं ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सो so ये अगर हम इस पर्टिकुलर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं दैट इज इंडिया बिजनेस इवन जेल आर इज डूइंग वेल सो फाइनली फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव होना प्रॉफिटेबिलिटी इनसाइड साइड दिखना जो लेवरेज है जो डेट के लेवल्स है उनको नीचे लाना आई थिंक हर जगह पे जे एल आर बिजनेस इज ऑल्सो टिकिंग द राइट बॉक्सेस और इसीलिए इस पर्टिकुलर कंपनी पे आपकी नज़र होनी चाहिए और अभी दो बड़ी न्यूज है टाटा मोटर्स के लिए पहली न्यूज है टाटा टेक का टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ आने वाला है और उसमें अराउंड इलेवन पॉइंट फोर परसेंट कुछ स्टेक डाइल्यूट करने वाला है टाटा मोटर्स सो वहां से क्लोज टू बाईस मोटर्स को मिलने वाले हैं एंड डेफिनेटली दे आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर मनी फॉर डीलिवरेजिंग सो जो हाई डेट लेवल है कंपनी के पास तो वो कम करने के लिए ये पैसा यूज होने वाला है अब दूसरी पॉजिटिव न्यूज जो है एमएससीआई का इमर्जिंग uh, मार्केट का जो स्टैंडर्ड इंडेक्स है वहां पे टाटा मोटर्स का को uh, एलोकेशन मिल रहा है और वहां से क्लोज टू 1500 करोड़ रुपए कितना 1500 करोड़ रुपीज का बाइंग जो है पैसिव फंड्स टाटा मोटर्स में थर्टी एथ ऑफ नवंबर को कर सकते हैं सो so, ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूजन इज गोइंग टू अट्रैक्ट गुड अमाउंट ऑफ फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स फ्लो ये मैं पैसिव फ्लो की बात कर रहा हूँ देर विल बी अलॉट ऑफ एक्टिव फंड ऑल्सो जो एम एस सी आई इमर्जिंग मार्केट स्टैंडर्ड इंडेक्स को फॉलो करते तो वहां पर भी एक डेफिनेटली अच्छा खासा उछाल कंपनी uh, को मिल सकता है हो सकता है कि यहाँ स्पेकुलेटर्स आर देयर या फिर दोज मार्केट मूवर्स जो इन मूव uh, को ट्रैक करते रहे थे वो पहले ही पोजिशन बना लेते तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है बट व्हाट अबाउट इंक्रीमेंटल फ्लोस क्योंकि ये इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स होगा जिसको पैसि फंड्स फॉलो कर दे वहां पे भी तो नया नया पैसा आता रहता है तो वहां से भी एक कंसिस्टेंटली फ्लो कंसिस्टेंट फ्लो जो है वो इस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ आ सकता है एंड दैट्स दैट दिस इज वन कंपनी मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू विच शुड बी ऑन योर रडार दर इज नो डाउट अबाउट दैट वैसे देखा जाए तो कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम थोड़ी सी बात करेंगे तो वहां पे मार्केट शेयर थोड़ा सा लूज हुआ है फ्रॉम 43 थ्री परसेंट इन एफ आई ट्वेंटी टू थर्टी नाइन पॉइंट सेवन परसेंट इन एच वन एफ आई ट्वेंटी फोर बट वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त बड़े हैं सो साइक्लिकलिटी जो है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री की सो so जब डाउनवर्ड ट्रेंड होता है तो उसमें टाटा मोटर्स का शेयर काफी अच्छा होता है और जब अपवर्ड ट्रेंड में सेल्स काफी अच्छा होता है बट अदर प्लेयर्स ऑल्सो स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन दैट मार्केट शेयर एंड ये सी सॉ बैटल बिटवीन द मार्केट शेयर स्पेसिफिकली कमर्शियल व्हीकल में चलता रहता है अदरवाइज बाकी दो सेगमेंट्स की अगर हम बात करते हैं पैसेंजर व्हीकल्स की स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल्स की तो वहां पे स्टेडीली मार्केट शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है देर वर सम मंथ्स और फ्यू क्वार्टर्स आल्सो जहां पे नंबर टू पोजीशन पे भी टाटा मोटर्स के कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल का सेगमेंट मार्केट शेयर था अगर है, है, है। जेएलआर का बिजनेस एक्वायर करने के बाद चाइना में जो इंपेयरमेंट लॉसेस लिए थे कंपनी ने तो ये सारे फैक्टर्स के बाद सबको लग रहा था यार ये क्या होगा इस कंपनी के साथ सही में ये सस्टेन कर पाएगी क्या बट द द हैंडल्डुएशन इन लास्ट फाइव इन आई थिंक दैट वॉज फेनोमिनल प्रॉपर टारगेट्स लेके उसको अचीव करने की कोशिश यहाँ पे कंपनी करती जा रही है सो बाय मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव दे आर कम दे आर फोकसिंग ऑन कंप्लीटली नेट जीरो ऑटोमोटिव डेट पे उनका फोकस है एंड दे विल अचीव दैट ऐसा लग रहा है लास्ट क्वार्टर का एच क्यू टू एफ आई ट्वेंटी फोर का अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो देखता हूँ सो दैट नंबर इज टू पॉइंट थ्री एट टाइम्स बट अगर उसके पहले के क्वार्टर का मैं नंबर देखूँगा सो दैट नंबर इज एट टू पॉइंट नाइन सिक्स टाइम्स तो यहां कंसिस्टेंटली अपना डेट का लेवल जो है वो कम करने की कोशिश कंपनी की तरफ से बहुत ही सही तरीके से चल रही है सो so, इंडिया का पैसेंजर व्हीकल्स इज डूइंग वेल इंडिया का कमर्शियल व्हीकल इज डूइंग वेल जेल आर इज ऑल्सो फाइनली डूइंग रियली वेल और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स आर लुकिंग क्वाइट गुड फॉर टाटा मोटर्स तो यहाँ अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो अभी चार मॉडल्स हैं उनके पास पैसेंजर व्हीकल्स में आ, इंडिया में एंड बाय 2026 दे आर गोइंग टू हैव टेन मॉडल्स इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सो ऑब्वियसली वहां पे ये अर्ली मूवर एडवांटेज जो लिया हुआ है टाटा मोटर्स ने दे विल ट्राई एंड मेंटेन दैट एंड जैसे एक्सपेक्टेशन है बाई एफ या थर्टी अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट का जो नया सेल होगा गाड़ियों का उसमें ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट सेल जो होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो पोल पोजिशन टाटा मोटर्स लेके बैठा हुआ है मुझे लगता है काफ़ी अच्छा Uh, वहां पे एडवांटेज मिल सकता है कंपनी को बाकी थोड़ा सा वैल्यूएशन पे अगर हम बात करेंगे सो so वैल्यूएशन में प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखना विल नॉट बी अ राइट थिंग बिकॉज एफ आई एटीन के बाद फाइनली एफ आई ट्वेंटी थ्री में प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में आई है एंड नाउ लॉट ऑफ डेट इज ऑल्सो देयर सो वो रिपेमेंट्स वगैरह so चल रहे सारी चीजें स्ट्रीमलाइन की जा रही है और इसीलिए वैन द बिजनेस इज कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस तो ईवी टू एबिटा को

यहाँ जे uh, का जो परफॉर्मेंस है प्रॉफिटेबल होना राइजिंग फ्री कैश फ्लोज ये एक बहुत बढ़िया रीजन है फॉर दिस स्टॉक टू डू डूइंग वेल रिवाइवल इन कमर्शियल व्हीकल इट इज़ गेटिंग स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर ये भी एक रीजन है वाई द स्टॉक वॉज डूइंग वेल मार्केट लीडर इन इंडियाज ई मार्केट ये भी एक रीजन है पैसेंजर व्हीकल्स में अच्छा खासा uh, मतलब मार्केट uh, शेयर बढ़ाना ये भी एक रीज़न है एंड टाटा टेक का जो आईपीओ आ रहा है तो ये आईपीओ का पैसा टाटा मोटर्स को ही मिलने वाला है तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है फॉर टाटा मोटर्स स्टॉक डूइंग वेल सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज वन स्टॉक विच शुड बी ऑन योर रडार एंड जब तक इंडिया फाइनल नहीं जीतेगा तब तक हमारे लिए दिवाली चल ही रही है और इसीलिए हैप्पी दिवाली ये प्रोमो कोड भी आप लोगों के लिए एक्टिव है हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 65 परसेंट इज अवेलेबल ऑन आर कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो Subscription, Stockometer प्लस Fundometer एंड इवन ऑन इंडिविजुअल portfolios also. अगर तीन साल के Subscriptions या फिर कॉम्बो ऑफर्स के लिए आप जाते हो then द the डिस्काउंट would be एज हाई एज 70 टू 75 percent also. आशा करूंगा आप जरूर इन्वेस्ट को विजिट करके हमारे मॉडल Portfolios को सब्सक्राइब करोगे कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको फ्री लर्निंग कोर्स भी मिल जाएगा आशा करूंगा आप उसका भी लाभ उठाएंगे ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जय हिंद